सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज दोस्तों मैं हूँ जगदलपुर में, बस्तर में, अपने भाई के यहाँ। और क्योंकि नई गाड़ी ली है ओला एस1 प्रो जो यहाँ पे है, और MD की डिग्री कंप्लीट हुई है, तो उसके लिए छोटी सी पार्टी सोचा घर पे। तो बजट कम है, इसलिए अभी हम सोच रहे हैं कि बस्तर का देसी मुर्गा काफ़ी फेमस है, तो देसी चिकन आपको आज खाते हैं। ढाबों में काफ़ी अच्छा बनता है और प्राइस भी रिजनेबल है, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं। फिलहाल हूँ मैं गीदम रोड में, और गीदम रोड में अपनी ओला एस1 प्रो के साथ जा रहा हूँ चिकन लेने। आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, और आप भी आएँ तो ज़रूर खाएं यहाँ पे देसी चिकन। तो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा इस तरीके का देसी चिकन, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में देसी चिकन यानी मुर्गे मिलते हैं, तो ईज़िली मिल जाता है सही रेट में। हम आ गए हैं जगदलपुर सिटी से 6-7 किलोमीटर दूर गीदम रोड पर। यहाँ से पूछते हैं पार्सल का क्या सीन है, 20 मिनट में दे देंगे बोल रहे हैं। 450 रुपीज का है आधा मुर्गा। कैसे भाई? ढाबे में ऑर्डर देके मेडिकल कॉलेज चलते हैं, दोस्त को उठा के लाते हैं, थोड़ा 20 मिनट लगेगा, तब तक टाइम पास हो जाएगा। हमारा मेडिकल कॉलेज है ये हमारा बिल्डिंग, और ये हमारा कॉलेज बिल्डिंग। ये भाई हमारा देसी चिकन आधे मुर्गे का, इसको टेस्ट कर लेते हैं। बढ़िया है, बैंकॉक का एक कॉन्फ्रेंस था उसका बैग है, आज काम आ रहा है काफ़ी। 2019 में गए थे भाई इस लॉकडाउन के पहले, अभी पैक हो जाएगा। टेस्ट अच्छा है, कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। आज इसके हुक का फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इसका हुक, क्योंकि ग्रेवी वाला सब्ज़ी है और टिक्की में गिरना नहीं चाहिए। तो ये है भाई, ये रास्ते चिकन। अब देखते हैं इसको प्लेट में डाल के कैसा दिखता है, फिर ये व्लॉग यहीं एंड कर देंगे। चलो देखते हैं अभी कैसा दिखता है देसी चिकन देसी स्टाइल में। ठीक दिख रहा है? तो ये है भाई चिकन देसी वाला, 450 का आधा चिकन, आधा मुर्गा बोलते हैं ना, आधा आपको मीडियम बोला था उसको पीस, तो ऐसा कुछ है। टेस्टी तो लग रहा है, लपेटा बोला था, तो कम ग्रेवी है इसमें थोड़ा सा, लेकिन खाने के लिए हो जाएगा। अच्छा है।